ये देखिए इसे कहते हैं देसी जिम, रकम वालों की कभी जिम खत्म नहीं होती, हफ्ते में एक दो तीन बार या फिर महीने में आ जाती है। वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका अपनी इस एक और नई वीडियो में। अभी जो रन ऑफ कच्छ था उससे हम बाहर आ गए हैं, जो रापर नाम का इलाका है, रापर नाम की सिटी है। यहाँ से हम आज जाने वाले हैं अहमदाबाद की ओर। अहमदाबाद यहाँ से 350 किलोमीटर के करीब होगा दूर, तो हिच हाइक करके जाने वाले हैं। ये रोड पहले तो यहाँ पे कितने निशान हैं और कितनी गायें खड़ी हैं, गायें बल्द खड़े हैं, सारा इलाका इस तरह का है। अभी जो रन ऑफ कुछ में गया था मैं, वहाँ पे भी मतलब 25-40 गायें ऐसे खड़ी हैं, सड़क पे खड़ी हैं। वही है कि दूध देने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, गायें दूध देने तक सीमित, उसके बाद बाय बाय। और ये रूट है, बाकी बसें तो बहुत जा रही हैं, पर अपन ने हिच हाइक करके जाना है तो उसके लिए एक लेवल चाहिए होता है, तो वेट करनी पड़ेगी। गर्मियों के टाइम पे शादी विवाह बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको सड़क पे ऑलमोस्ट बारात जाती हुई दिखेगी। अभी तक 5-6 बारात जाती हुई मैं देख चुका हूँ। ये गई, हम भी रात को एक जो विवाह था अपने रन ऑफ कुश वाले इलाके तौलीवीरा में, तो वहाँ पे आपको पता है खूब नाचे, डांस किया, मस्ती की, एक अलग सा रिलेशन बन गया। बाकी ये अपने आजड़ी भाई हो रही हैं, इनके पास बकरियाँ, कितनी बकरी है भाजी अपने पास? 70 हैं। 70 हैं, सारी बकरियाँ ही हैं, पेड़ नहीं हैं? अच्छा, 70 बकरियाँ। कहाँ जा रहे हो अभी? अच्छा सीधे, अच्छा आगे चरांद है जी, सुलेमान। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुलेमान भाजी की 70 बकरियाँ। ये है अपनी पहली लिफ्ट समर ख्याल की तरफ, बहुत बहुत शुक्रिया भाजी। कितनी दूर है यहाँ से? 40। अच्छा, और आप भुज जा रहे हो? ठीक है ठीक है। समा ख्याली की जो रोड है वहाँ पे हम पहुँचे हैं। समा ख्याली से जो अहमदाबाद को रास्ता जाता है, ये सामने पीछे अहमदाबाद को रास्ता जाता है, और मेरे आगे कुछ एक टोला जा रहा है। वैसे बेसिकली यहाँ का शायद नहीं लग रहा, तो वो भी वैसे ही जा रहा है जैसे कि मैं जा रहा हूँ, तो इंटरेस्टिंग है। यहाँ से लिफ्ट लेंगे, ये सीधे रोड अहमदाबाद को जाता है। यहाँ से होगा अपना 236 किलोमीटर दूर है यहाँ से अहमदाबाद। ऊपर से नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, रात को सोए नहीं थे ज़्यादा। अहमदाबाद कितनी दूर है यहाँ से? अहमदाबाद जब आपके सामने से हज़ारों ट्रक गुजर रहे हो और आप सबको हाथ करो, कोई भी ना रोके, तो वो जो फीलिंग होती है ना, कभी उसको ऑब्जर्व करना, कभी मैं कर रहा हूँ बहुत इस पूरी की पूरी ट्रैवलिंग में, क्योंकि इतने ट्रक गुजर रहे हैं, एक भी पतंदर रोक नहीं रहा, तो कोई गाड़ी नहीं रुक रही। ऊपर से यहाँ पे खड़ने लायक जगह भी नहीं है। ये देखिए धूप का कहर है बाजे। एक गाड़ी रुक गई है, शुक्रिया भाजी, थैंक यू वेरी मच। हाँ फाइनली गाइस लिफ्ट हमें मिल गई है, भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या भाजी आपका? गोविंद है भाजी, राजस्थान से, गोविंद अजमेर वाली साइड से। सच में और इधर जाम है, एक बार इधर जाम लग रहा था। हाँ, ये हमारे पीछे सूरज बार की नदी है जहाँ पे बेसिकली लून बनता है, तो मिट्टी और पानी से लून को अलग किया जाता है, उसके बाद अलग अलग पीछे ढेरियाँ लगी हुई हैं, तो लून की ढेरी लगी हुई हैं, लून और मिट्टी, इसको इसके बाद साफ करेंगे, पीछे ढेरी लगी हुई इस तरह का बनाएंगे, ये सारा बनाने का सिस्टम है। शुक्रिया भाजी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। गए, हमको ये रोड जाना है आगे नीचे। ढाबे से चाय पानी तो हो गया है, और यहाँ से अहमदाबाद 200 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर इस रोड पे और कवर करना है हमने। आज रास्ते में जल्दी कहीं पे टिकाना लगाना पड़ेगा, क्योंकि
जो अपनी वीडियो है वो भी एडिट करनी है, उसको अपलोड करना है, आपके लिए पब्लिक भी करनी है। आज का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। चिटका बहुत है यार सूरज का, सीधे सिर के ऊपर सूरज खड़ा है। इच हैकिंग कौन सी आसान है यार, और वो तो गर्मी में और भी बहुत ज़्यादा औखी है। अपनी 12 किलोमीटर की लिफ्ट है भाई साहब आगरा से। नाम क्या आपका भाई साहब? लोकेन। आपका? दीपक। बहुत बहुत शुक्रिया भाजी यार, गर्मी बहुत सी यार, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी 12 किलोमीटर इस सड़क पे जाएंगे, उसके बाद आगे का रास्ता फिर से तय करना पड़ेगा। 200 किलोमीटर से 12 निकाल दो, बाकी का आपको पता कितना रह गया। शुक्रिया। 12 किलोमीटर की लिफ्ट थी पर स्वाद आ गया, एसी लगा हुआ था बीच में, और क्या बात है, नज़ारे एसी के, गाड़ी में एसी लगा था यार। और अब ये आ गया पर कुदरत के एसी में, ऊपर है अपने सूरज, बड़ा एसी जो गर्मी देता है। इतनी गर्म लोह चल रही है कि जो पैर के अंगूठे हैं, पैर की उंगलियां हैं, उसको जला रही है। हाथों की उंगलियों को ना ऐसे नहीं हो जैसे सेक लग जाता है एक बार हवा सी आती है, वैसा बुल्ला आता है ना, जान निकल रही है। जान जान है तो जहान है, पर क्या करें, ये तो हिच हैकिंग है। मैं भी ये मेरे को लग रहा है कि जो डेथ वैली नहीं है जहाँ पे 56 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँच गया था, उसकी प्रिपरेशन हो रही है वहाँ पे हिच हैकिंग की। काम हो गया रे, एक सुत्ता टायर पंचर हो गया है, एक फट गया है, एक पंचर हो गया है, उसको सेट करना पड़ेगा अभी। टायर कटो, कटो। बीच में दो जैक लगाए, एक ये वाला जैक है और दूसरा जैक तो ये पीछे रहा। ये साइड वाला जो है फ्रंट वाला, ये तो फट गया है, ये साइड वाला पंचर है, इसका पंचर लगवाना पड़ेगा और ये तो चेंज करना पड़ेगा। वो आ गया भाई, ये देखिए इसे कहते हैं देसी जिम, ट्रक वालों की। ट्रक वालों की कभी जिम ख़त्म नहीं होती, हफ्ते में एक दो तीन बार या फिर महीने में आ जाती है। रोड इतना गर्म है ना, इतना जल रहा है कि कुछ बता भी नहीं सकते, इतनी लो है। गर्मियों में हिच हैकिंग का प्लान जो भी आपका बंद कर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, हम तो फंस गए वैसे। भाई साहब तो जैक देने जा रहे हैं, जैक दे के आ रहे हैं, और 5:30 का टाइम हो चुका है, और अभी यहाँ से 60 किलोमीटर के करीब पड़ा है जो अपना अहमदाबाद है। यहाँ पे 2.5 से 3 घंटे हो गए खड़े हुए। अभी टायर जो पंचर हुआ है, जो बनवाने गए हैं, वो नहीं आया, बाकी एक नया टायर तो लगा दिया है। 7 बजे का टाइम होने वाला है, भाई साहब अभी वापस नहीं आए, इसका मतलब कि टायर में कुछ बड़ी दिक्कत हो गई है। क्या तरस गया आपको देखने के लिए? हाँ क्या तरस गया आपको देखने के लिए? चल वर्क हो रहा है, बस टायर लग गया और इसके बाद जल्दी से निकलेंगे भाजी। जर्नी फिर से होगी है, 7:30 का टाइम होने वाला है स्टार्ट, और बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब ने बहुत मदद की है, वो आगे जा रहे हैं, नहीं तो हम तो गए थे दोनों होते तो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डोंट टू वरी, आज हम अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। खान भाई साहब हैं वो हमको मिले हैं, तो अहमदाबाद के लिए हम बाइक पे जा रहे हैं। यहाँ से जो बॉम्बे वहाँ पे 700-800 किलोमीटर दूर है, तो 2 दिन लग जाएंगे अगर हम लिफ्ट लेके जाएंगे। कोशिश है कि मैं भी जो ट्रेन वाला एक्सपीरियंस है उसको भी हम कवर कर लें। बाकी भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, ओ बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। अहमदाबाद यहाँ से होता है स्टार्ट। भाई जान ये कोल्हापुर स्टेशन कितनी दूर है यहाँ से? कितनी दूर है स्टेशन अपना कोल्हापुर? किलोमीटर है भैया। अच्छा
कितने टाइम तक चलेंगे? कितने टाइम तक चलेंगे? दो मिनट खाली, एक दो बेचने आ जाओ। ओके भाई, अलपुर स्टेशन जा रहे हैं और मेरे साथ है अखिलेश भाई, ये सूरत जा रहे हैं। बॉम्बे जाने का मेरा भी प्लान बन चुका है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इस वीडियो में गाइस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और सपोर्ट आपकी चाहिए। बाय बाय गाइस, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।